मौसम इतना बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, पूरे बादल आ रखे हैं ऊपर, पूरी खड़ी चढ़ाई है। मैं दिखाता हूँ आपको, हालत ख़राब हो गई और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पहाड़ों पे आके अगर आपने मैगी और चाय नहीं पी तो आपने मान लो कुछ नहीं किया। यार ये सारे भाइयों को हो गया, कितने भाई कितने घंटे से खड़े हैं आप? ये सुबह 9 बजे से आ रखे हैं और अभी 4 बज गए। सो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और जैसे कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बोला था कि हम काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो उनमें से आज पहला दिन है जो हम कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। तो चलो वहीं चलते हैं और देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गाइज मैंने आपको बताया नहीं हम जा कर रहे हैं, तो गाइज अब हम जा रहे हैं आज नैनीताल। तो अभी मैं हल्द्वानी में हूँ और मैंने ना ये ऑल्टो ले ली है, ऑल्टो बुक कर ली है, क्योंकि ये सही है, अभी कन्वीनियंट है। क्योंकि बस मैं देख रहा था, बस में भीड़ बहुत है, तो आप भी कभी नैनीताल आओ तो ये ऑप्शन अच्छा है। हल्का एक्सपेंसिव है बस से, थोड़ा चीप नहीं है इतना, मतलब ठीक है। फिर भी जैसे मैंने पूरी बुक की है अभी 700 रुपये में, तो आप यहाँ पे आराम से 4 जने जा सकते हो। बाकी बस में जो किराया है वो नैनीताल का 85-90 के बीच में। तो चलो आज इससे ही चलते हैं नैनीताल। अभी पहुंच गए हम नैनीताल, और नैनीताल में इतना ठंडा मौसम हो रहा है, मेरे को लग रहा है भाई विंटर्स आ रखे हैं यहाँ पे, और इतनी ठंड हो रही है। और लकीली मैं अपनी जैकेट तो ले आया, पर तुषार तो कुछ नहीं लाया। तो मेनली अभी हम नैनीताल दो कामों से आए हैं। एक पहला काम तो है, जो मेन काम है, तुषार की पासपोर्ट की डेट है, तो अभी हमें मल्लीताल जाना है यहाँ से, और उसके लिए भी टाइम है। तो हमने कहा तब तक इसका टाइम है, तब तक हम एक्सप्लोर करेंगे। मगर इतनी ठंड है भाई, तो मेरी जैकेट दे पहले, बहुत इतनी ठंड लग रही है भाई। अब भी कभी भी आओ ना आप, तो भाई जैकेट लेके जरूर आना सारे, इतनी ठंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मछलियाँ भी है नीचे, ताल में दिखा रहा हूँ, कितनी प्यारी सी मछलियाँ हैं। बहुत ठंड है भाई, अच्छा हो मैं जैकेट लिया है, मैं तो टोपी भी डाल लूँ भाई, तुम्हारा क्या होगा। बहुत ठंड है। तो चलते हैं अभी, थोड़ा घूमते हैं आसपास, इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा ज़्यादा घूम पाए, बट जितना भी घूम पाते हैं आपको दिखाते हैं, चलो। तो गाइज अभी हम आ गए नैनीताल स्टेडियम में, सबसे फेमस स्टेडियम है यहाँ का नैनीताल में। यहाँ पे बहुत फेमस खिलाड़ी खेले हैं और काफ़ी मैचेस होते हैं, और जब भी यहाँ पे मैचेस होते हैं काफ़ी पब्लिक भी इकट्ठा होती है। मैं खुद यहाँ पे कई बार खेला हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील आता है। तो अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ सीधा तिब्बतन मार्केट, यहाँ की सबसे फेमस मार्केट, तो चलो वहीं चलते हैं। तो अभी मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो इस मार्केट की बात मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मतलब ये मार्केट इतना एक्सपेंसिव है ना, यहाँ पे 200 रुपये की चीज़ आपको 400 रुपये में मिलेगी, और 400 की चीज़ 1000 में। क्यों, महंगाई की नहीं है मार्केट? मैं सामान महंगा देते बोल, एक बार है चल मैं ले लूँगा तेरा, ये पता महंगा देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। तो सबको बोल यहाँ से सामान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो कहाँ से लेना चाहिए, लेके आओ। जब भी नैनीताल लो तो सामान लेके आओ, तो जब भी आओ तब सामान लेके आओ। मैं इसका बैलून ले लेता हूँ, इसने मेरा बहुत देर से दिमाग खा लिया। तो अब चलते हैं हम यहाँ के सबसे फेमस टेम्पल में, मंदिर में, जो कि झील के बिल्कुल साइड में है, श्री माँ नैना देवी मंदिर। चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं माँ के। दर्शन कर लिए और टेंपल भी पूरा देख लिया है, सब भगवानों के दर्शन कर लिए। तो तुषार तेरे को कैसा लगा? तुषार पहली बार आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करके, बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है माता। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप नैनीताल आओ तो ये तिब्बतन मार्केट में ये मंदिर है, यहाँ पे आके बहुत जागरूक मंदिर भी है, तो जब भी आपको टाइम मिले नैनीताल आओ तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। तो गाइज अभी थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है, यहाँ पे पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है और बारिश पड़ने लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट वहीं पर जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस जाके बैठते हैं, ताकि काम इंपॉर्टेंट है, तो पहले वहीं पर चलते हैं। अब सीधा बोटिंग करने का प्लान था, पर अब बारिश हो रही है, तो बारिश में तो बोटिंग करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, तो अब चलते हैं सीधा पासपोर्ट ऑफिस। ये पासपोर्ट ऑफिस बहुत ऊँचाई पर है और बहुत ऊँची चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई है, मैं दिखाता हूँ आपको। हालत ख़राब हो गई और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो चढ़ाई, पूरी खड़ी चढ़ाई है, एंकर जल्दी पहुँचते हैं यार। तो यार अभी बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगी, तुषार और मैं शेल्टर के नीचे आ गए हैं, और ये देखो आप कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है। हम पहले वॉक कर रहे थे और इतनी चढ़ाई है यहाँ पर, बहुत गंदी चढ़ाई है, और अब बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, तो अब एक जगह रुक गए हैं, जैसे थोड़ी हल्की होती है फिर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं।
तो गाइज अभी बारिश रुक नहीं रही है तो हम वहाँ पे खड़े थे सामने, अभी जहाँ पे वो अंकल खड़े हैं तो हम सामने यहाँ पे भाग के आ गए क्योंकि हमने मैगी देख ली भैया की यहाँ पे। तो अभी भैया मैगी बना रहे हैं, दीदी भी हैं यहाँ पे, तो अब भैया की मैगी खाते हैं अच्छे से। आपने मैगी और चाय नहीं दी तो आपने मान लो कुछ नहीं किया, और अभी मैं मैगी खा रहा हूँ, इतनी अच्छी टेस्टी मैगी बनाई है दीदी ने, और चाय भी हमारी पूरी रेडी रखी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी पूरा बारिश के मौसम में मैगी और चाय खाने में। भाई इतने पहाड़ों पे पासपोर्ट ऑफिस क्यों बनाते हैं यार? तो अभी पासपोर्ट ऑफिस में वेट करते करते पूरा 2 घंटे हो गए हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या कमी हो गई है, लाइट नहीं आ रही है पूरा अंदर, ये कोई अपडेट भी नहीं बता रहे। देखो अंदर ही यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं, बाहर भी हैं पूरे सारे, सब वेट कर रहे हैं और कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं हमें, देखते हैं कितना वेट करते हैं कब कर आते हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस में हमें लगभग 2 घंटे हो गए, और ये सारे भाइयों को हो गए, कितने भाई कितने घंटे से खड़े हुए यहाँ पे, ये सुबह 9 बजे से आ रखे हैं और अभी 4 बज गए हैं। यहाँ पे दीदी आंटी और देखो कितनी भीड़ हो रखी है, किसी का नंबर नहीं आया, और अंदर वो कह रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लाइट तो उनको लाइट नहीं मिल रही है सबसे, तो मुझे लगता है आज काम, और वो जनरेटर जो है वो बंद ही पड़ा है पता नहीं बुलता से टक जाए। और देखो खुशी देखो सबके चेहरों पे, बिंदास भाई सारे खुश हो गए, फाइनली लाइट आ गई है, चलो अब जल्दी काम हो जाएगा, सब फ्री हो गए, घर चले जाएंगे। और बाहर मैं दिखाता हूँ आपको कितना मौसम गंदा हो रहा है, पूरा बारिश हो रही है अभी, आप जैसे देख सकते हो बारिश सुबह से, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से रुकी नहीं है, बस अब फाइनली जल्दी काम हो जाए और भैया घर चले। तो पासपोर्ट ऑफिस में आज बहुत चीज़ें हो गई है, दीदी का बर्थडे भी है, थैंक यू। हम पासपोर्ट ऑफिस से फ्री हो गए हैं, और आप मानोगे नहीं आज पासपोर्ट ऑफिस में इतना अच्छा लगा, पहले वहाँ पे काम नहीं हो रहा था इतना पक गए थे, मगर वहाँ पे इतने लोग थे, सारे दोस्त बन गए सारे, इतने अच्छे से, दीदी का बर्थडे भी था जैसा कि आपने देखा भी क्लिप में, उनका बर्थडे भी बनाया, सब ने टाइम पास अच्छा किया, और एंड में काम हो गया, तो क्या कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो चलो यार अब फटाफट चलते हैं घर, अब बहुत लेट हो गया है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं रोड बेस। व्यू देखो यार गाइस, व्हाट अ व्यू। तो भाई अभी मैं बैठ गया रोडवेज पे, अब निकलते हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है, मैं आपको दिखा, यहाँ पे अलग ही लड़ाई चल रही है जैसा आप देख सकते हैं, ये अंकल बता नहीं यहाँ पे किसी बात को। तो गाइस फाइनली दिन खत्म हुआ, आज बुरी हालत हो गई है, उदयपुर पहुंच गया वापस, और मेरे को इतनी भूख लगी है, तुषार की भूख से हालत खराब हो गई, हमने कुछ नहीं खाया दिन भर, बस थोड़ा बहुत जो चटर पटर वो खाया, अब यार यहाँ पहुंच गए सीधा, मैं जा रहा हूँ अंदर, अब खाना खाते हैं, और भाई बहुत भूख लगी है। तो यार खाना आ गया, अब खाना स्टार्ट करते हैं, खाने में हमने मंगाया कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज और सिंपल रोटी, तो चलो खाते हैं। तो अभी जय भी आ गया यार, जैसे आप देख रहे हो जय खाने के टाइम में हमेशा बुला लेता हूँ उसको, खाना खाया मेरे साथ, और भाई बहुत हैक्टिक दिन था, और इसके साथ ये ब्लॉग भी हम ख़त्म करेंगे, और भाई बहुत मेहनत लगी यार ये ब्लॉग बना रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग।